यहाँ पे इन्होंने शिकायत भी की थी कि इनके जानवर जो है वो भी मारे जाते हैं। यहाँ पे मैं जब आया था तो ये तकरीबन तीन इसी तरीके से पड़े हुए थी, जो गाय के बच्चे थे तीन पड़े हुए थे, अभी सिर्फ एक है और बाकी मुझे लग रहा है कि कुत्ते जो हैं वो उठाकर ले गए हैं। तो आप ये देखें, तो आगे चलते हैं। अज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम साया में खुश आमदीद। आज मैं ये प्रोग्राम अकेला करूँ क्योंकि शाहिद जो है वो नरवाल गया हुआ है, वहाँ पे वो एक प्रोग्राम के हवाले से गया था। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ मेरे आसपास जो है वो गुलाब के बागात हैं, और मसला यहाँ पे मुझे ये सुनने में आया कि सुबह के टाइम, क्योंकि ये लोग अपने खेतों में आते हैं, जो बाग के हैं, इसके गुलाब के खेत हैं, इनमें आते हैं और गुलाब चुनने के लिए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पे किसी पिछल पैरी को देखा है, जिसको जिसको आप चुड़ैल कह सकते हैं, सफ़ेद लिबास में, और उसके पाँव जो हैं वो उल्टे हैं और काफ़ी परेशान और डरे हुए लोग हैं वो इस हवाले से। तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद इसको अपने तौर पर जाकर देख लेता हूँ कि क्या मामलात इस जगह पे हैं। तो ये देखें, ये जो दरख्त इधर लगा हुआ है, ये बोर्ड का दरख्त है, और बोर्ड के दरख्त के बारे में तो बेशुमार किस्से कहानियाँ हैं। बोर्ड के दरख्तों में इस किस्म की काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं। हमने एक और एपिसोड किया था, उस जगह भी बोर्ड का दरख्त था और वो जगह काफ़ी हैवी थी। उस प्रोग्राम में अगर आप बोर्ड के दरख्त को देखें तो मामलात उस बोर्ड के दरख्त के साथ ही जुड़े थे। इस जगह पे बताया कि एक तो इनका ट्यूबवेल लगा हुआ है जहाँ से सारे खेतों में पानी जाता है, और साथ में दो कमरे हैं। उसको खातून, उस पिछल पैरी को इसी जगह से उन्होंने निकलते हुए देखा है। तो अब मैं यही देखने आया हूँ कि क्या उसका यहाँ पे बसेरा है और क्या मामलात इधर जुड़े हैं। उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है ताकि कोई जा ना सके। तो मेरे ख्याल में अल्लाह का नाम लेके चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कांटेदार झाड़ियां हैं, एक आवाज आई है, पता नहीं ये रिकॉर्ड हो पाएगी या नहीं। देखिए, छोटी सी जगह है और इसके ही सारे इस जगह पे खेत हैं गुलाब के। तो पहले मैं सामने कैमरा रख के आपको इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस लोकेशन का विज़िट करवाता हूँ और कोशिश करता हूँ साइन लेने की। तो कैमरा मेरे ख्याल में मैं इधर प्लेस करता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि मैं अपना फ्रेम जो है वो सही बना पाऊंगा, और अगर मेरा फ्रेम सही ना बना तो उसके लिए माजरत। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उन व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे प्रोग्राम को बाकायदगी से देख रहे हैं और बाकायदगी से कमेंट करते हैं। तो सारे व्यूवर्स का जो नाम है वो तो लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चंद व्यूवर्स का मैं इस एपिसोड में नाम लेना चाहूँगा। वो है फैसल खान, खान मोहम्मद, रेणुका राज, खान वहीद, करणजीत सिंह और इरफान रियाज साहब, आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके नाम नहीं ले पाया, इंशाल्लाह हम अगली एपिसोड में उनके नाम लेते रहेंगे साथ साथ। तो लोकेशन छोटी है, मेरे अकेले आने की रीज़न भी यही है कि मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैक्सिमम साइन रिकॉर्ड कर सकूँ, और जिस पिछल पैरी के बारे में जो किस्सा सुन के मैं यहाँ आया हूँ। शायद मैं आज उससे साइन भी ले सकूँ। पिछल पैरी के बारे में जो किस्सा सुन के मैं यहाँ आया हूँ। शायद मैं आज उससे साइन भी ले सकूं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मेरे ख्याल में मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं। लोकेशन छोटी सी है, मुझे कुछ ख़ास उम्मीद तो नहीं है कि मैं इधर से साइन ले सकूँगा। रबीउल अव्वल का महीना जो चल रहा है उसकी वजह से नातें जो है वो सारे सारे नात इस महीने में चलती हैं। तो अगर कोई मस्जिद दूर भी है तो उसकी आवाज़ जो है वो मीलों तक सुनाई देती है। देखिए, ये बाहर जो बोर्ड का दरख्त है उसकी जड़ें इस कमरे के अंदर आई हुई हैं। एक चीज़ मैं देख रहा था, ये देखें, ये कोई लेडीज़ लिबास लग रहा है इधर। बाहर से एक धमक सी पैदा हुई है इस जगह पे। मैं अभी आपको जब वो सूट दिखा रहा था तो ये जो आवाज़ अभी पैदा हुई है ये दोबारा पैदा कर सकते हैं आप? आवाज़ अभी जो पैदा हुई है ये आप दोबारा पैदा कर सकते हैं? तो ये आपने देखा कि ये, अच्छा इस रूम को देखें तो ये काफ़ी ऐसे है जैसे इधर कोई खुदाई हो के कोई गहरी चीज। कौन है? ये जो आवाज़ अभी दोबारा आपने पैदा की है, क्या ये आवाज़ दोबारा पैदा कर सकते हैं आप? ये एक कमरा है और एक कमरा वो है जो मैंने आपको दिखाया है।
देखिए इस रूम, ये रूम सारा स्याह हुआ हुआ है। कौन है? मैं जब इधर था तो मुझे उस वाले रूम से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, और अब मैं जब मैं उधर गया हूँ तो मुझे इस रूम से आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं। यहाँ कुछ गिरा है, ये देखें डस्ट, यहाँ कुछ ऊपर से गिरा है। इधर सामने कुछ गिरा है ऊपर से, मुझे एक कैमरा मैं इधर प्लेस करने लगा हूँ ताकि अगर मैं अंदर होता हूँ और एक्टिविटी जिस तरीके से बाहर हो रही है तो वो रिकॉर्ड हो सके। मेरे ख्याल में मैं कैमरा इधर प्लेस करता हूँ। एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मुझे यहाँ कैमरा प्लेस करना चाहिए। मैंने अब ये दूसरा कैमरा प्लेस कर दिया है क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं, जब मैं रूम के अंदर अंदर जा रहा था उस वक्त हो रही थी। तो एक चीज़ तो मुझे जो है वो कंफर्म ये हो रही है कि स्टार्ट हो गई हुई एक्टिविटीज़, इसका मतलब है कि गड़बड़ तो है। तो मेरे ख्याल में मैं दोबारा इस कमरे में जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि क्या अपने आपको जाहिर कर सकते हैं। लोगों ने जो बताया कि सुबह 3 बजे, चूँकि यहाँ गुलाब चुनने का जो है वो वक्त शुरू होता है, तो 3 बजे के 3 बजे जैसे ही वो लोग आते हैं तो उनको यहाँ अक्सर सफ़ेद लिबास में कोई आइडेंटिटी नज़र आई है जिसको वो लोग पिछल पैरी कह रहे हैं। वही आवाज़ मेरे, ये देखें इधर से ये शाख गई है और मेरे ख़्याल में ये अभी नहीं था, ये जो ईंट अभी गिरी है शायद यही अभी यहाँ पे मौजूद नहीं थी। वही आवाज़ मेरे, ये देखें इधर से ये शाख गई है और मेरे ख़्याल में ये अभी नहीं था, ये जो ईंट अभी गिरी है शायद यही अभी यहाँ पे मौजूद नहीं थी। क्या आप अपने आप को जाहिर करवा सकते हैं?
क्या आप अपने आप को जाहिर करवा सकते हैं, अपने होने का एहसास दिला सकते हैं मुझे? अब ये मेरे ख्याल में लुक है या ऑयल है, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। क्या आप अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? क्या आप अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? दरख्त पे से आवाज है, एक दरख्त की, अभी एक दरख्त की इस दरख्त पे से आवाज़ आई थी। ये इस जगह से बिल्कुल काफ़ी गहराई है, देखिए ऐसे धक्का सा लगा मुझे एकदम, ना जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। जगह से बिल्कुल काफ़ी गहराई है, देखिए ऐसे धक्का सा लगा मुझे एकदम, ना जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। ये बाहर यहाँ से आवाज़ आई है, यहाँ से मुझे अभी आवाज़ आई है, किसी इन्हीं ईंटों में से आवाज़ आई है। क्या आप सामने आ सकते हैं उसी सूरत में जिस तरीके से आप यहाँ खेतों में जो काम करने वालों ने बताया है कि आप कोई पिछल पैरी हैं, आप सामने आ सकती हैं, अपने होने का एहसास दिला सकती हैं? अभी मैं जब अंदर था तो मुझे बकायदा पीछे से धक्का लगा, और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इस कमरे में हो रही हैं। लोगों में इतना खौफ और रास है कि वो इस जगह पे आते ही नहीं हैं। मेरे ख्याल में मैं
थोड़ा सा मज़ीद टाइम इधर स्पेंड करता हूँ और साइन लेने की कोशिश करता हूँ। शायद कुछ साइन यहाँ पे मिल जाए। लेकिन यहाँ छत इतनी कच्ची है कि ये यहाँ से टूटना शुरू हो गई हुई है। अगर आप को नज़र आ रही हो तो यहाँ छत जो है यहाँ से टूटना शुरू हो गई है। छत की हालत बहुत नाजुक हुई हुई है। अभी मुझे जिस तरीके से आपने धक्का दिया था, क्या आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया? क्या मुझे दोबारा एहसास दिला सकते हैं अपने होने का इधर? जिस तरीके से अभी आपने मुझे यहाँ धक्का दिया है, क्या आप दोबारा मुझे यहाँ धक्का दे सकते हैं? अपने होने का एहसास दिलाएं किसी तरीके से। बाहर, बाहर नहीं, इस रूम में, इस रूम में मुझे होने का एहसास दिलाएं अपने। मुझे अब ये पता है कि जिस तरीके से जब मैं इधर होता हूँ तो मुझे इधर एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, और जब मैं अंदर होता हूँ तो मुझे यहाँ एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आती हैं। अपने होने का एहसास लाए ना, इस तरीके से मेरे आसपास शोर पैदा करना। मेरे ख्याल में मैं इसको कैमरे में रिकॉर्ड करने में कामयाब हूँ। ये खुली है, ये खिड़की जो है ये खुली है और अब इधर से आवाज़ आई है। पहले ही खिड़की खुली है और बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आई है। अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप अपने होने का एहसास दिलाएं, सामने आए। देखिए यहाँ ये खिड़की बकायदा यहाँ खुली है। मैं अगर किसी तरीके से छत पे जाके आपको दिखा सकता ना तो मैं ज़रूर इस छत की हालत आपको दिखाता, लेकिन छत पे जाने का कोई रास्ता नहीं है।
यहाँ पे कुछ ख़वातीन के कपड़े जो हैं ना वो बिखरे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये दरवाज़ा जिस तरीके से आपने पहले हिलाया, हिला सकते हैं? ये भी दरवाज़ा हिलाया, आप दोबारा हिला सकते हैं दरवाज़े को? कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, ये दरवाज़ा आप दोबारा हिला सकते हैं? यहाँ पे कुछ ख़वातीन के कपड़े जो हैं ना वो बिखरे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये दरवाज़ा जिस तरीके से आपने पहले हिलाया, हिला सकते हैं? ये भी दरवाज़ा हिलाया, आप दोबारा हिला सकते हैं दरवाज़े को? कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, ये दरवाज़ा आप दोबारा हिला सकते हैं? ये दरवाज़ा अभी जिस तरीके से आपने बंद किया है, दोबारा बंद कर सकते हैं? आपने जिस तरीके से अभी ये दरवाज़ा बंद किया, क्या ये दोबारा बंद हो सकते हैं? मुझे दोबारा बंद कर, दरवाज़ा दोबारा बंद करके दिखाएं। ये दोनों दरवाज़े एक साथ बंद हुए। अल्लाह अकबर, ये दरवाज़ा खुला है। ये दरवाज़ा ही, दरवाज़ा दोबारा बंद करके दिखा। दोनों दरवाजे एक साथ बंद हुए। अल्लाह अकबर, ये दरवाजा खुला। ये दरवाजा ही, ये दरवाजा अभी बंद हुआ था। क्या साथ वाले रूम से आवाज आ रही? साथ वाले रूम से आवाज़ आ रही। ये दरवाज़ा भी बंद हुआ था। ये दोनों दरवाज़े बंद हुए हैं। मैंने जैसे ही साइन मांगा कि क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, ये दोनों दरवाज़े इकट्ठे बंद हुए हैं। अल्लाह, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ, ये हुआ। ये दरवाज़ा भी बंद हुआ, ये खिड़की बंद हुई। क्या ये आवाज़ दोबारा पैदा कर सकते हैं? अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया तो मैं चला जाता हूँ। आप मेरे सामने आ जाए, मैं चला जाता हूँ। क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ये
अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।